तौर से इस लुक पे। तो इस इयररिंग के लिए बिग थैंक्स है मेरी बहन को। ओके गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की दिन की शुरुआत करते हैं कचौरी बनाने से। गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर ब्यूटीफुल डे। थंबनेल अच्छा है ये, जस्ट अभी मैंने रिकॉर्ड किया है। बाय बाय शेख सर। वेलकम बैक टू माई चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, वेलकम बैक टू अनदर ब्यूटीफुल डे। तो आज का मेरा लुक, स्टार्टिंग में ही देख लीजिए, मैं तैयार होकर पहले ही आ गई हूँ। पूरा लुक मैंने बता नहीं पाई हूँ, और ऑफ कोर्स प्रिपरेशन वाला जो भी है रेडी होने वाला, हेयरडू कुछ भी नहीं बताया बिकॉज बच्चे इजाज़त नहीं दे रहे हैं। आज है डे 16, यस आज है डे 16, मुझे कन्फ्यूजन हो रही है। कौन है ये लुक, कहाँ से आते हैं? उस बात में क्लियर कर दूंगी। हाँ ये भी कह रहा, क्लियर कर दूंगी। सो आज है मेरा बर्थडे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। दैट्स व्हाई ये लुक मैंने क्रिएट किया है। थोड़ी देर में पूरी घर में ही सेलिब्रेट करेंगे, पर सोचा अगर घर में कर ही रहे हैं तो क्यों ना अच्छे से डिफरेंट लुक के साथ तैयार हुआ जाए। जो भी मैंने आज वेयर किया है, मेरे हस्बैंड ने मुझे यहाँ से दिलवाया है, सो दैट्स वाई मैंने आज वेयर किया है, बिकॉज शादी के बाद ये मेरी पहली बर्थडे है। तो अलग होता है ना, अलग खुशी होती है मुझे। मैंने सोचा फिर उनकी दीदी एक साड़ी है जो मैं अभी तक वेयर नहीं कर पाई, मुझे इस प्रेगनेंसी के चक्कर में नहीं वेयर कर पाई थी, और कहीं ऐसी जगह आना जाना भी हो नहीं रहा था। बट एक ये दिया है ना अब ड्रेस, तो फिर कर रही हूँ। बाकी सोच रही हूँ कि अच्छा पीछे थोड़ा इग्नोर कीजिएगा बिकॉज थोड़ा मैसअप हुआ हुआ है चीज़ें। आई होप सो मैं आ रही हूँ ठीक से, आ रही हूँ ना। और मेरा लुक आप लोगों को सही लग रहा हो, वैसे तो मुझे लग रहा है थोड़ी लाइटनिंग का थोड़ा इशू है बाहर, ये कलर डिफरेंट आता, यहाँ थोड़ा डिफरेंट आ रहा है, बट इट्स ओके। तैयार हो गई हूँ, चीज़ें भी तैयार हैं, बस सेटअप लगाना है और पूरे व्लॉगिंग की तैयारी करनी है। मिलते हैं सेटअप लगाने के बाद। बना रही वीडियो। ओके गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का लुक मेरा बताइएगा कैसा है। ये आज का इतना तैयार क्यों हुई थी, बिकॉज टुडे इज माय बर्थडे। यही नहीं अभी और सुनिए। खैर इतना भी एक्साइटेड नहीं होना चाहिए। मैं हर बार इतनी एक्साइटेड होती हूँ। कौन है ये लुक,
कहाँ से आते हैं? ये चेक करें, सारा सेटअप हमने लगा दिया है। ये सारा आज मैं बताना चाहूंगी, जितना भी बनाया है ना, ये मेरी देवरानी ने बनाया है, ये मैं जरूर बताना चाहूंगी, क्योंकि लिटरली उसने इतनी मेहनत की। आप सिर्फ चीजें ये ना, और ये इसकी मोहब्बत देखी, एच लिखा है जिसे मेरी तरफ से मैं देख रही हूँ, तो आइए यानी ये फन। ये सारा 1 2 3 4 5 6 और एक बननी बाकी है, मतलब छोले बनने बाकी है। इवन कि ये भी वही लाइए और जिस पे लिखा है हैप्पी बर्थडे लवली हिना, जैसा मैंने लिखवाया था ना हैप्पी बर्थडे जेठानी जी, वैसे इसने लिखवाया। सो क्यूट एंड थैंक यू सो मच, बिग 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 थैंक्स। मेरा लुक बताइएगा कैसा है आज, मेरा थोड़ा डिफरेंट करने की कोशिश की है। आई थिंक रमजान के हिसाब से थोड़ा हार्श है, बट अगर घर में तैयार हो रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि तैयार नहीं होना है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, तैयार होना है, पूरा सेलिब्रेट करना है, खुशी सेलिब्रेट करनी है। आज मैंने फर्स्ट टाइम इस तरह से वेस्टर्न लुक लिया है, मुझे बताइएगा। ये मेरे पूरे प्रेगनेंसी पे मैंने ये लिया था अपना कोट, मैंने नहीं लिया था, इन्होंने दिलाया था। और मुझे देखिए कितना फिट आ रहा है, प्रेगनेंसी में तो नहीं आ रहा था, दैट्स व्हाई, बट कितना सही है यार, कितना सही आ रहा है। और मैंने देखिए करीब आए बताएं, मैंने मेकअप भी इसी हिसाब से किया है। चलें गाइस केक कट करते हैं और अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। चलो भाई हैप्पी बर्थडे बोलो। करूं कट? अरे बोलो। सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? हैप्पी बर्थडे टू यू। बोलो ना। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। इधर इधर साइड में फोटो में मैं ब्लैक ना हूं। जो चले। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर हिना, हैप्पी बर्थडे टू यू। ओवर एक्टिंग की औलाद, अब तेरे को बराबर होता नहीं क्या बोलने को? चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग की वजह से। यार सबसे ज्यादा थैंक्स तो इसका करना है ना, सबसे ज्यादा। और शादी के बाद ये मेरा पहला बर्थडे है, तो गिफ्ट। बहुत तेज हो रहा है। ये गिफ्ट बाद में आएगी, लॉन्ग डिस्कशन बाद में डिस्कस की जाएगी, क्योंकि मैं अपना बर्थडे शादी के बाद पहला बर्थडे है और मैं गिफ्ट नहीं छोड़ूंगी। मैं कुछ तरीका है भीख मांगने का बता रही हूँ, हमारे हर एक से गिफ्ट लूंगी इस बार। खैर देवरानी की तरफ से ही इतना ह्यूज गिफ्ट मिला है मुझे, इवन की केक भी। पानी आ रहा है, स्टार्ट करते हैं, पर वीडियो बंद करने के बाद पूछेंगे। मेरा पूरा लुक बताइए ना, ये है ना मेरा क्या कहते हैं इसको, पैंट थोड़ी सी बड़ी होगी, बट इट्स ओके। ओ मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे। तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। क्लासी लग रहे हैं खास तौर से इस लुक पे, तो इस इयररिंग के लिए बिग थैंक्स है मेरी बहन को, उसने गिफ्ट दिए मुझे। ये मुझे पता नहीं किसने गिफ्ट दिया था, मुझे याद नहीं आ रहा, शायद मैंने अपने आप को ही दिया था। और ये इसके लिए मैंने मियां को भी थैंक्स याद क्यों नहीं लिया मुझे। अच्छी लग रही है ना, अच्छा ये भी तो आए, हाथ में जरा गोश्त नहीं चला है, इतने पतले रख दिया ना सीधे, ये आप जरूर गौर करें कितना क्यूट है। ये बेसिकली रात में डोनट्स भी इसने मंगवाए थे मेरे लिए, तो ये एक रह गया था जो कि मेरे डियर हस्बैंड ने नहीं खाया,
बिकॉज स्टाइलिंग के बाद इनको कुछ भी दो ना तो ये नहीं खाते। दैट्स व्हाई आज इनके लिए रखा है, पर मुझे लग नहीं रहा मैं इनको दूंगी, मैं खा जाऊंगी। रुके रुके खा के बताते हैं कैसा रहा गिफ्ट। मैंने कुछ कुछ बता दिए है, नहीं कुछ कुछ नहीं बताए, आगे कंटिन्यू करूंगी। अगर कल परसों भी ब्लॉग बनाए, अगर नहीं डेली बनाती हूँ गाइस, आप मेरे ब्लॉग जरूर देखिएगा। आज डे 16 है मेरे ब्लॉगिंग का, और रोजा 16 है 15 है 16 16 रोजे 14 रह गए, और लास्ट के तो बिल्कुल भी पता नहीं चलते। खासतौर पर बड़ी रातें जो भी आती हैं उनमें मुझे ज़रूर याद रखिएगा, ज़रूर 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 याद रखिए। मेरे लिए दुआ कीजिएगा सेहत के लिए, खासतौर पर हर किसी के लिए दुआ करना बहुत ज़रूरी है। बाकी क्या कंटिन्यू करूँ, आज के लिए इतना ही। इतना छोटा सा ब्लॉग था, बहुत क्यूट था, बहुत यमी था, बहुत ग्रेटफुल था सबसे ज़्यादा, और बहुत सुंदर था। मिलते हैं कल, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, मिलते हैं वापस, बाय बाय। भाई तो शुरू होते खत्म हो गया। रुको जरा, सबर करो। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़। मैंने कह दिया था और कुछ चीज़ें बतानी जरूरी थी जो मैं दिन में आ गई थी, इसलिए मैंने बता दिया कि जितनी भी चीज़ें मेरे लिए तैयार की गई थी, ऑब्वियसली इस लड़की ने तैयार की है, बिकॉज इसको लगा होगा कि मैंने इसकी बर्थडे के लिए किया है तो मेरे लिए भी किया है। लेन देन का काम होना नहीं चाहिए, क्योंकि मोहब्बत जो करते हैं इतनी ज़्यादा कोई केयर करे तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, जो कि मैंने किया और मुझे ज़रूरी लगा। हालांकि लोग कहेंगे कि इतना बताना ज़रूरी नहीं था, प्रोमिनेंट करना ज़रूरी नहीं था, पर मेरे लिए बहुत ज़रूरी है जो मेरे लिए करे। जो भी आप लोगों के लिए इतना करे, इतनी मोहब्बत जताए, उनको गंवाना नहीं चाहिए, उनके करीब तो ज़रूर रहें, उनको खींच के करीब रखें। जैसे मैं इसको जाती जाने नहीं देती हूँ, बाकायदा पूरे 24 घंटे छोड़ती नहीं हूँ। इसका तो मियाँ टाइम से कहेगा कि शादी किसी की, मेरे से इससे सीरियसली इसने बहुत 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 स्पेशल बना दिया आज के दिन को मेरे लिए। मैं फिर से थैंक यू बोलूंगी, थैंक यू सो मच, वेलकम वेलकम। फाइनली इसकी आवाज़ आ गई, लोग मेरी आवाज़ में आती मजा नहीं करता। आज ये बिजी है, थोड़ा सा थकी हुई है फिलहाल, मैं अब थोड़ा कैजुअल लुक में आ गई हूँ, कुछ ज़्यादा कैजुअल लुक में आ गई हूँ। मेकअप ये सारा रह रहा है, पर इसके साथ तो चलो मैंने कहा पहले रिकॉर्ड कर देती हूँ, भाई आने वाले हैं, थोड़ा रिकॉर्ड करके ब्लॉग को एंड करते हैं। बस यही बताना था ज़रूरी, जो फिर ना बोलती तो फिर रह जाता। आज से आज वैसे वीडियो बहुत अच्छी बनी है, तो सब्सक्राइब लाइक तो मस्ट बनता है। इतने मेरे ड्रेस को बताइएगा, आज वेस्टर्न ईस्टर्न लुक हो गया मेरे मियाँ और मेरा। उनको मैंने कहा फिर से ग्रीन सूट पहने, हालांकि एक ब्लॉग पहले ही उनका ग्रीन सूट आ चुका है, पर मैंने कहा ईस्टर्न वेस्टर्न होना चाहिए ना, मेरा कोट पैंट वाला, उनका कमीज शलवार वाला। बताइएगा, मैं शॉर्ट भी डालने वाली हूँ, बहुत क्यूट बना है, बेबी के साथ नहीं बन पाया, हमने ट्राई बहुत किया पर वो शहजादी अलाउ नहीं कर रही है, कह रही नहीं ठीक है तुम दोनों अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करो। खैर बाकी गिफ्ट तो रिवील करने वाले नहीं होते, अगर मुझे लगा रिवील कर सकूँ तो कर दूंगी। बाकी ठीक है, कल के ब्लॉग में मिलते हैं, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, बाय बाय, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। One hour later. A few minutes later. Guys, check this out. सामने से बिल्कुल मेरे फेस पे लाइट पड़ रही है, इतना अच्छा लुक आ रहा है मेरा, मैंने सोचा कैप्चर कर दूँ, और मुझे तो मेरी आई कलर भी चेंज लग रहा है, चेक कर सकते हैं, देखा नहीं जा रहा, बस मैंने सोचा एक शॉट अच्छा समझ गया, क्या बुरा है।
बाय बाय टाटा गुड बाय।